हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ गुरदीप एंड वेलकम टू एडवांस एग्रीकल्चर क्लासेस। टुडे इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज स्टोर ग्रेन पेस्ट मैनेजमेंट। मीन्स कि जो हमने स्टोर हमारे ग्रेन्स होते हैं उनमें जो पेस्ट लग जाते हैं उनका मैनेजमेंट कैसे करें, कैसे उनको बचाएँ। सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। तो जो पेस्ट कैटेगरीज हैं वो दो तरह से हमने डिवाइड की हैं जो कि स्टोर ग्रेन में लग सकती हैं। वो कौन सी है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो प्राइमरी कौन सी होती हैं? कॉज इनिशियल इंजरीज। जो प्राइमरी होते हैं वो स्टार्टिंग में थोड़ी इंजरी करते हैं, एंड सेकेंडरी होते हैं टेक एडवांटेज ऑफ इंजरी। तो सेकेंडरी कौन से होते हैं? वो जो इंजरी पहले हो चुकी है उसकी एडवांटेज लेते हैं। मीन्स कि उसमें जो थोड़ा उसमें इंजरी हो चुकी है उसकी एडवांटेज लेके उसमें और ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और ज़्यादा ज़्यादा नए पेस्ट को इन्वाइट करते हैं और उसमें ज़्यादा इन्फेस्टेशन होता है। तो लॉस कितने तरह के होते हैं जो पेस्ट करते हैं? वो दो तरह के लॉस होते हैं। फर्स्ट इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनडायरेक्ट। तो कुछ ऐसे लॉस होते हैं जो कि हमें डायरेक्टली लॉस की तरफ लेके जाते हैं, कुछ डायरेक्टली लॉस नहीं करते लेकिन हमारी किसी ना किसी तरह से उनका लॉस होता है। तो डायरेक्ट लॉस कौन से हैं? एक्चुअल कंजम्पशन लॉस कौन से होते हैं? लॉस ऑफ वेट, लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, लोअर जर्मिनेशन, रिड्यूस्ड ग्रेड, लोअर मार्केट वैल्यू, कॉन्टामिनेशन, डैमेज टू स्ट्रक्चर और कंटेनर्स। तो ये सारे जो डायरेक्ट में आ रहे हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी स्टोर्ड ग्रेन्स को, जैसे कि उसका वेट कम हो जाएगा, उसमें न्यूट्रिएंट्स कम हो जाएंगे, वो जर्मिनेशन नहीं होंगे अगर वो सीड्स हैं, उनकी जो ग्रेडिंग है वो रिड्यूस हो जाएगी, या उनकी मार्केट वैल्यू कम हो जाएगी, गंदे हो जाएंगे, कॉन्टामिनेट हो जाएंगे, या उसमें कुछ स्ट्रक्चर डैमेज कर देंगे। सपोज हमने कार्टून्स में पैक किया तो हो सकता है कार्टून्स को ख़राब कर दें, या हमारे बैग से उनको काट सकते हैं राइट। तो इस तरह से जो उनका डायरेक्ट लॉस हमको मिल जाते हैं। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट लॉस। तो इनडायरेक्ट लॉस किस तरह के होते हैं? वेट ग्रेन हीटिंग। तो वो जो वेट ग्रेन्स होते हैं तो उनको हीटिंग कर देते हैं, बैक्टीरिया, फंगई, अल्फा टॉक्सिन्स, पैरासाइट्स ऑफ ह्यूमन, कंट्रोल एंड एप्लीकेशन कॉस्ट, एक्सेसिव पेस्ट रेसिड्यूज, लॉस ऑफ कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। तो ये जो है इनडायरेक्ट लॉस होते हैं जो कि उनमें डायरेक्टली किसी चीज़ का नुकसान नहीं होता, हमारे मटेरियल का नुकसान नहीं होता, लेकिन अल्टीमेटली हमको ये अफेक्ट करते हैं। सपोज इसमें बैक्टीरियाज पैदा हो गए, बैक्टीरियाज ह्यूमन को लग सकते हैं, उनसे बीमारियां फैल सकती हैं, या पैरासाइट्स ह्यूमन को लग सकते हैं, या एप्लीकेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा, उसका हैंडलिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, या कंज्यूमर कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, लोग खरीदेंगे नहीं उसको। तो इस तरह से इनडायरेक्ट लॉस होते हैं जो कि बियर करने पड़ते हैं। देन है कॉमन फैसिलिटीज विद स्टोर्ड प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। तो जो कॉमन फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं, जैसे वेयर हाउस होता है, स्टोर्स होते हैं, होम्स होते हैं, और बिन्स विल बी कवर्ड इन ए लैब। तो इस तरह की कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं जो कि ग्रेन्स को स्टोर करने की फैसिलिटी देती है। तो इन सब में कोई भी गवर्नमेंट के हो सकते हैं, प्राइवेट हो सकते हैं, या शेयर्ड हो सकते हैं। किस तरह के वेयर हाउस हो सकते हैं? उनमें हम लोग अपने ग्रेन्स को स्टोर कर सकते हैं, हमें कुछ मनी देनी पड़ती है जिसको देके हम अपने स्टोर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है पेस्ट ऑफ स्टोर्ड ग्रेन। तो स्टोर्ड ग्रेन जो उनके पेस्ट कौन से हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं? इंसेक्ट हो सकते हैं, पैथोजेंस और फंगीज हो सकते हैं, रोडेंट्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं। तो इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट दिखाया है, तो इस तरह से पैथोजेंस होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, रोडेंट्स जैसे रैट माइट वगैरह हो गया, और बर्ड्स क्राउ सम काइंड ऑफ बर्ड्स जो अनाज खा लेते हैं। तो इस तरह की कैटेगरीज हैं। आइडियल कंडीशन फॉर पेस्ट। तो आइडियल कंडीशन कौन सी होती है, पेस्ट कब उसमें पैदा हो जाते हैं, उन कैसे पनप जाते हैं, तो आइडियल कंडीशन क्या है उसकी? फर्स्ट है एनवायरमेंटल कंडीशंस। एनवायरमेंटल कंडीशन में क्या होता है? टेम्परेचर 20 to 40। मीन्स कि अगर कहीं पे 20 to 40 डिग्री टेम्परेचर है तो मोस्ट सूटेबल टेम्परेचर है उनके पैदा होने के लिए। देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी। अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 70% है देन वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जो पेस्ट हैं वो 60 to 70% ह्यूमिडिटी में सबसे ज़्यादा पैदा होते हैं। देन मिक्सिंग ग्रेन लॉट्स। तो मिक्सिंग में ओल्ड एंड न्यू, जैसे कोई हमने कुछ हमारे पास ओल्ड ग्रेन्स बच गए तो कुछ न्यू बच आए हैं, तो हम सोचते हैं कि चलो दोनों को मिक्स कर देते हैं, हमारे को फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन उससे क्या होता है कि जो ओल्ड होते हैं उसमें कुछ पेस्ट हो सकते हैं या उसमें कुछ लैकिंग हो सकती है, तो इस तरह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो न्यू के साथ भी होने के बाद और बढ़ जाती है, तो नुकसान करते हैं। देन टाइम, लॉन्गर स्टोरेज, नो इंसेक्ट्स। अगर लॉन्गर स्टोरेज होगा तो उसमें इंसेक्ट्स ज़्यादा होंगे, लॉन्गर स्टोरेज में ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन कॉमन पोस्ट हार्वेस्ट इंसेक्ट। जो जो कुछ तो ऐसे पेस्ट होते हैं जो हार्वेस्ट करने के बाद ही
प्रॉब्लम करते हैं, मीन्स कि हार्वेस्ट के जस्ट बाद ही उनको ख़राब करना शुरू कर देते हैं। तो उसके से लेसर ग्रेन बोर, तो वो जो ग्रेन बोरर्स होते हैं वो ग्रेन्स को बोर कर देते हैं। देन राइस वीविल है, एंगाटोमस ग्रेन मोथ है, रेड फ्लोर बीटल है, या ये सब हैं जो पोस्ट हार्वेस्ट मीन की हार्वेस्टिंग के बाद ही उनको ख़राब कर देते हैं, जो कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं। तो उनकी लाइफ साइकिल कितनी है? बीटल्स 15 to 18 days होते हैं, मोथ्स 28 to 35 days उनकी लाइफ साइकिल होती है। इतने दिन में ही वो बस लाइफ कंप्लीट कर लेते हैं और इतने दिन तक काफ़ी नुकसान कर देते हैं। देन नेक्स्ट हम देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ द इंसेक्ट पेस्ट। तो उसका हम मैनेजमेंट कैसे करें इसके बारे में आगे देखते हैं। तो मैनेजमेंट, जब भी बात आती है पेस्ट मैनेजमेंट की, तो सबसे पहले IPM ही सोचा जाता है। IPM मीन्स इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, कि पेस्ट को कैसे मैनेज करें बिना केमिकल्स का यूज़ किए, या सबसे पहले हमको केमिकल ना यूज करके ही उनको कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के लिए हजार्डस है, ह्यूमन के लिए हजार्डस है, सब के लिए हजार्डस है जो केमिकल्स हैं। तो सबसे पहले तो IPM के द्वारा ही पेस्ट को मैनेजमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो उसके अंडर कौन से आते हैं? पहले तो नॉन केमिकल कंट्रोल आते हैं सबसे पहले, कि नॉन केमिकल से कंट्रोल करें, सैनिटेशन रखें, फिजिकल, कल्चरल। तो ये 3 तरह के हैं जो कि सैनिटेशन रख सकते हैं, फिजिकल करके, या कल्चरल कुछ प्रैक्टिस करके हम पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मैनी ऑफ द नॉन केमिकल कंट्रोल्स मेथड्स आर प्रिवेंटेटिव। तो कुछ ऐसे हैं जो प्रिवेंटेटिव हैं, जैसे बायोलॉजिकल कंट्रोल्स हैं, तो बायोलॉजिकल कंट्रोल भी यूज़ किए जा सकते हैं। जूडिशियस यूज़ ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, तो अगर इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ करना ही है तो उसका जूडिशियस यूज़ करना चाहिए, सस्टेनेबल यूज़ करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ ना हो, और ज़्यादा अगर ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ हुए तो इन्वायरमेंट को ही एडवर्स इफेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट्स, एसोसिएटेड एप्लीकेशंस, इक्विपमेंट, फॉर्मुलेशंस अवेलेबल एंड सम प्रोडक्ट्स। तो उसके लिए हमको कुछ ट्रीटमेंट प्लान करने होते हैं, कुछ एप्लीकेशन इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कुछ फॉर्मुलेशन की ज़रूरत पड़ती है, कि हमको कितना लिक्विड अप्लाई करना है, कितना फ्यूमिगेंट अप्लाई करना है, कितनी डस्ट अप्लाई करनी है। तो ये सब का हमको फॉर्मुलेशन भी करना पड़ता है। जनरल प्रिंसिपल फॉर एन IPM प्रोग्राम, तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? इंस्पेक्ट इनकमिंग मटेरियल इज द फर्स्ट लाइन इज डिफेंस अगेंस्ट मोस्ट स्टोर्ड प्रोडक्ट इंसेक्ट। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना होगा कि हमारे जो इनकमिंग मटेरियल है, मीन्स कि जो हम स्टोरेज स्ट्रक्चर्स में जो स्टोर कर रहे हैं, वो कैसा है, किस लेवल का है। अगर वो पहले से ही इन्फेस्टेड है, या उसमें पहले से ही कुछ पेस्ट लगे हुए हैं, तो वो आने के बाद पूरे ही स्टोरेज को ख़राब कर देंगे, सबको ख़राब कर देंगे। तो हमको सबसे पहला प्रिंसिपल यही है IPM के अंडर में, कि सबसे पहले उनको चेक किया जाए कि उसमें कितना पेस्ट है या नहीं है, या किस लेवल तक पहुँचा हुआ है। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन ऑफ इनकमिंग मटेरियल, लुक फॉर ट्रेड्स इन डस्ट टू डिटरमाइन प्रेजेंस ऑफ इंसेक्ट। तो ट्रेल्स में देखना चाहिए कितना उसमें डस्ट है, कितना उसमें प्रेजेंस है पेस्ट का। बॉक्सेस ऑफ ग्रेन प्रोडक्ट्स, जितने ग्रेन प्रोडक्ट के बॉक्स आते हैं उनमें चेक करना चाहिए। चेक सरफेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रिमूव इनर पैक्स, चेक बॉक्स एंड बटन बॉक्स, चेक पैलेट्स। तो सब को चेक करना चाहिए कि अगर किसी कहीं पे भी कुछ उम्मीद है कि यहाँ पे हो सकता है, कि पे चांस है कि अगर पेस्ट हुआ, तो उसको रिमूव करना चाहिए इमीडिएटली। देन इंस्पेक्ट मटेरियल बिफोर पुटिंग इनसाइड द किचन, तो कोई भी मटेरियल उसको चेक करना चाहिए कि उसमें पेस्ट तो नहीं है, अगर उसमें एक में भी हुआ तो वो बाकी बचे हुए सबको ख़राब कर सकता है। चेक सीरियल बॉक्स, फ्लोर बैग्स, एनी ग्रेन कंटेनिंग फूड्स। तो सबको अच्छे से चेक करना चाहिए कि उसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं भी कोई पेस्ट नहीं लगा हुआ हो। देन इंस्पेक्ट कमिंग मटेरियल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सैनिटेशन। तो ये इसके जनरल प्रिंसिपल के अंडर में आते हैं, इंस्पेक्टिंग इनकमिंग मटेरियल, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एंड सैनिटेशन। तो सैनिटेशन में क्या आता है? स्पिल्ड फ्लड, फ्लोर डस्ट, ट्रैश इन कंटेनर्स, ब्रोकन पैकेजिंग, इक्विपमेंट क्लीनिंग। तो इस सब का सैनिटेशन में हमको ध्यान रखना चाहिए, ये साफ़ सफाई रहे, या उनमें कहीं भी कोई पेस्ट आने का चांस ना हो, उनको टाइटली एयर टाइट बंद किया जाए, या उनमें कोई भी लूज़ नहीं हो पैकिंग। तो इस सब का सैनिटेशन के अंडर में आता है। तो इस तरह से सैनिटेशन अगर हम उसका अच्छे से रख रखाव भी नहीं करेंगे, अच्छे से उनका मैनेजमेंट भी नहीं करेंगे, तो भी उनमें पेस्ट आने की चांस रहते हैं। इट इज़ वन थिंग टू क्लीन आउट ए किचन पेंट्री। तो उनको किचन को, या कोई भी स्टोरेज ग्रेन स्ट्रक्चर हो, तो एक एग्जांपल एक किचन का लिया है कि अगर फ्रिज में हम अच्छे सामान भी नहीं रखते हैं, या कहीं पे अलमीरा में अच्छे सामान नहीं रखते हैं, तो भी उसका पूरा जो पेस्ट आने के, या उसमें सैनिटेशन ना रखने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो इस तरह से हमको हर तरफ से सफाई रखनी चाहिए। जैसे ग्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, तो ग्रेन स्ट्रक्चर में कहीं भी फ्लोर नहीं फैला होना चाहिए नीचे,
या कोई भी उसके डस्ट पार्टिकल नहीं होना चाहिए, कहीं भी ग्रेन्स नहीं बिखरे होने चाहिए, क्लीननेस होनी चाहिए, कहीं भी गंदा नहीं होना चाहिए, जिससे कि पेस्ट कहीं भी, अगर यहाँ पे कहीं गंदा हुआ फ्लोर पड़ा हुआ है, सीड्स पड़े हुए हैं, ग्रेन्स पड़े हुए हैं, तो पेस्ट यहाँ ऑटोमेटिकली अटैक करेंगे। और यहाँ अटैक करेंगे तो ऑब्वियस है कि जब ये स्टोरेज स्ट्रक्चर्स हैं, स्टोरेज है, इनमें भी अटैक करेंगे, और इसके साथ ही वो जब लोड होके स्ट्रक्चर्स में जाएंगे और वहाँ भी उसका कंटेमिनेशन करेंगे। तो इस तरह से बहुत ही क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए, कहीं पे भी कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए इसके लिए, जहाँ पे भी हम स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं। देन नेक्स्ट आते हैं नॉन केमिकल कंट्रोल्स में, कौन आते हैं, कोल्ड मेथड, हीट मेथड, पैकेजिंग मेथड एंड मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन। तो ये कुछ नॉन केमिकल कंट्रोल्स हैं जिसमें कि केमिकल्स का यूज़ नहीं करते, लेकिन फिर भी हम पेस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो पहले देखते हैं कोल्ड कंट्रोल। तो कोल्ड कंट्रोल में क्या आता है, लोअर टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट्स कैन रिटायर द किल स्टोर्ड प्रोडक्ट पेस्ट। तो जो अगर टेम्परेचर बहुत लो कर दिया जाए तो वो किल कर देते हैं किसी भी पैथोजेंस को, पेस्ट को। एरेशन इक्विपमेंट टू पुल ए कोल्ड एयर इन टू द ग्रेन इन विंटर टू किल द स्लो डेवलपिंग ऑफ ग्रेन पेस्ट। तो कुछ ऐसे हमको स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए, या स्ट्रक्चर में ऐसा सिस्टम करना चाहिए जिससे कि हम कोल्ड एयर अंदर ब्लो कर सकें ग्रेन्स में, और जिससे कि लोअर टेम्परेचर के कारण वहाँ पे वेस्ट पैदा ना हो। स्टोरिंग ससेप्टेबल मटेरियल्स इन रेफ्रिजरेटर, तो कोई भी ससेप्टेबल मटेरियल रेफ्रिजरेटर में नहीं रखना चाहिए। पैकेज प्लेस्ड इन रेफ्रिजरेटर विल किल मोस्ट स्टोर्ड प्रोडक्ट्स पेस्ट। तो जो रेफ्रिजरेटर में बहुत कम टेम्परेचर रहता है, तो जब उसमें स्टोर्ड प्रोडक्ट किया जाता है, तो वो मैक्सिमम उसमें मर जाते हैं जो पैथोजेंस होते हैं लोअर टेम्परेचर के कारण। नेक्स्ट है हीट। तो हीट टेम्परेचर में क्या करते हैं, प्रोसेसिंग प्लांट आर ऑफन हीटेड टू 120 टू 150 फ़ारेनहाइट और फॉर 24 आवर्स। अगर हाइयर टेम्परेचर देते हैं 120 टू 150 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो भी मोस्ट इन्फेक्शन मर जाते हैं। देन फूड कैन बी प्लेस्ड ओवन, तो ओवन में रखा जा सकता है फूड को। इन्फ्रारेड एंड माइक्रोवेव आर ऑफन यूज टू किल पेस्ट इन प्रोसेसिंग। तो माइक्रोवेव और इन्फ्रारेड भी यूज़ किए जाते हैं पेस्ट को मारने के लिए। नेक्स्ट है पैकेजिंग। तो पैकेजिंग में क्या ध्यान रखते हैं, पैकेजिंग कैन कीप प्रोडक्ट्स फ्री फ्रॉम इंसेक्ट। तो पैकेजिंग जब अच्छे से एयर टाइट होगी तो भी पेस्ट से कंट्रोल कर सकती है। न्यूली हैच्ड लार्वा कैन पेनिट्रेट क्रैक 0.12 mm वाइड। अगर बहुत छोटा 0.12 mm वाइड भी कहीं पे क्रैक हुआ तो उसमें से भी घुस जाते हैं, मीन्स कि टाइट होना जरूरी है, बहुत ही छोटे एरिया से भी ये पार हो जाते हैं। वैक्स पेपर एंड कार्डबोर्ड कैन बी पेनिट्रेटेड बाय स्टोर्ड प्रोडक्ट पेस्ट। तो पेपर है, कार्डबोर्ड है, तो इनको भी वो पेनिट्रेट कर लेते हैं। देन 75% ऑफ इन्फेक्शन अगर एट द फोल्ड एंड कॉर्नर ऑफ द कार्टून। तो कोई कार्टून है उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वहाँ से वो घुसने के ज़्यादा चांस रहते हैं 75%। फॉयल लेमिनेशंस कैन बी प्रिवेंटेड मोस्ट इन्फेक्टेड इन्फेस्टेशन। तो फॉयल जो होती है लेमिनेशंस करें पॉलिथीन की, तो वो बचा सकते हैं। ग्लास जार्स एंड मेटल ड्रम्स आर वर्टिकली इंसेक्ट वर्चुअली इंसेक्ट प्रूफ। तो ग्लास और मेटल होते हैं वो भी बचा लेते हैं। मैकेनिकल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं कैसे, हाई RPM 2900 RPM विल किल इंसेक्ट एंड माइट। अगर इतने RPM दे दिए जाएँ किसी को तो वो भी किल कर देते हैं। मिलिंग एंड अदर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स कैन मैकेनिकली डिस्ट्रॉय इंसेक्ट। तो मिलिंग और अदर प्रोसेसिंग इक्विपमेंट उसको ख़त्म कर देते हैं। देन बात करते हैं हम केमिकल कंट्रोल की। तो ये हमारा सबसे लास्ट की बात है, जब हमें बिल्कुल ही हम कंट्रोल नहीं कर पाए तो हमको केमिकल्स का यूज़ करना चाहिए। कौन से हैं, मच चेंज विद लॉस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। तो ये मिथाइल ब्रोमाइड के यूज़ से बहुत ही चेंज हो गया है। कॉन्टैक्ट ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं, अल्ट्रा लो वॉल्यूम और अल्ट्रा लो डोजेस यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पायरेथ्रिन और पायरेथ्रॉइड्स, तो इनका यूज़ करते हैं, पायरेथ्रिन और पायरेथ्रॉइड का। फॉग्स मिस्ट एंड एरोसोल्स कैन नॉट पेनिट्रेट फूड टू किल इंसेक्ट। तो ये अंदर पेनिट्रेट नहीं हो पाते, इसलिए इनको ये मार भी नहीं पाते हैं। दे किल एक्सपोज एजेंट कैन बी यूज रेगुलरली टू प्रिवेंट इन्फेक्शन इन द फैसिलिटी फ्रॉम अटैकिंग प्रोडक्ट। तो ये मार नहीं सकते, ये अंदर घुस के नहीं मार सकते, लेकिन क्या है, अगर सरफेस पे ही हो तो हम उसको रेगुलर कर सकते हैं और उनका एक्सपोज जो है उनसे बचा सकते हैं। प्रोटेक्टिंग इंसेक्टिसाइड प्लेस इन क्रैक एंड क्रिवाइसेस वेयर इंसेक्ट रेस्ट। तो जब प्रोटेक्टेंट्स होते हैं ऐसे प्लेसेस पे रखो, कॉर्नर्स में, क्रिवाइसिस में, जहाँ से वो घुस सकते हैं, यहाँ पे वो रह सकते हैं, तो उन प्लेसेस पे भी केमिकल रखना चाहिए। इनऑर्गेनिक डस्ट समटाइम्स यूज टू प्रोटेक्ट सीड्स एंड ग्रेन फ्रॉम द इंसेक्टिसाइड्स। तो कुछ इनऑर्गेनिक डस्ट होते हैं जो केमिकली एक्टिव होते हैं, इंसेक्ट और पेस्ट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनका भी यूज़ किया जा सकता है। देन मलाथियन
हैज़ बीन रजिस्टर्ड फॉर एप्लीकेशन टू द मेजर ग्रेन्स एंड हैज़ बीन यूज इन सिंस 1958। तो मैराथन जो है 1958 से यूज़ की जा रही है सब ग्रेन्स में। ईपीए टॉलरेंस 8 PPM, 8 PPM तक उसकी टॉलरेंस है। इन रिसेंट ईयर्स मोस्ट कॉमन पेस्ट स्पीसीज हैव डेवलप्ड रेजिस्टेंस टू द मोलेसन। तो लेकिन अभी क्या होगा, इसके लिए रेजिस्टेंस पैदा हो गया है, अभी ये वाइडली यूज़ नहीं की जा रही है। नेक्स्ट है क्लोरोफाइफॉस मिथाइल रेलडॉन भी बोलते हैं इसको, ये 2003 में बैन कर दिया क्योंकि ये भी हार्मफुल थी। देन है प्रीमिफेस मिथाइल एसिटेलिक, इसको एक्सपेंडेड रजिस्ट्रेशन फॉर द स्टोर्ड ग्रेन इंसेक्ट्स नॉट वेलिड यूज, तो ये भी ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती है। देन है स्पिनोसाइड रजिस्टर्ड फॉर ग्रेन स्टोर यूज इन 2005, इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल मेजर इंसेक्ट्स बट लाइक बीटी इट इज़ ए बैक्टीरियल बाय प्रोडक्ट, सो इट इज़ कंसिडर्ड नेचुरल एंड कैन दस बी यूज टू ऑन ग्रेन फॉर एनी टारगेट मार्केट। तो ये अभी नेचुरल इसको कहा गया है और इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, मार्केट में अवेलेबल है। नेक्स्ट है हाइड्रोपोइन, हाइड्रोपोनियोर जेंट्रोल बोलते हैं, कैन बी फॉग्ड एंड स्प्रेड फॉर कंट्रोल ऑफ स्टोर्ड प्रोडक्ट पेस्ट, ये भी यूज़ कर सकती है। जेंट्रोल पॉइंट सोर्स है मेथोप्रिन, डायकोन सेकेंड, वेलमार्क एंड जी जस्ट। देन डिपेल एक्सेम्प्ट फ्रॉम टॉलरेंट रेगुलेशंस, कैन बी अप्लाइड एज सरफेस ट्रीटमेंट फॉर कंट्रोल ऑफ लेपिडोमेटरन पेस्ट। नेक्स्ट है फूमिगेंट्स, कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं फूमिगेंट्स, यूज टू किल इंसेक्ट इन रॉ एंड पैकेजिंग फूड्स, तो ये रॉ पैकेजिंग पैकेट फूड में यूज़ किए जाते हैं। लीव वेरी लिटिल रेसिड्यूज, इसमें कोई रेसिड्यू नहीं रहते, ये कोई ख़राबी नहीं करते हैं। प्रोफ्यूमिगेंट इज रिप्लेसिंग मिथाइल ब्रोमाइड, तो मिथाइल ब्रोमाइड जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया था उसको प्रोफ्यूम ने रिप्लेस किया था। 2005 में मिथाइल ब्रोमाइड प्रोडक्शन इंपोर्टेंस पैंस बैंड, 2005 में इसको बैन कर दिया गया। प्रोफ्यूम मेजर प्लेयर नाउ, तो प्रोफ्यूम ही ज़्यादा चल रहा है। दो एग्रोसाइंस सल्फ्यूरिल फ्लोराइड ओल्ड प्रोडक्ट यूज फॉर स्ट्रक्चरल पेस्ट कंट्रोल फॉर मैनी ईयर्स, डिस्पूट्स एंड ग्लासो कोसिस एंड सिट्रिक एसिड साइकिल्स वर्क इन 24 to 48 hours, कोस सिमिलर टू मिथाइल ब्रोमाइड। देन है फोस्टोसिन गैसोटीन एंड मैक्टोसिन, कैन बी यूज टू किल इंसेक्ट इन ऑल काइंड ऑफ ग्रेन्स इंक्लूडिंग सीड बिकॉज फोस्टोसिन हैज़ नो इफेक्ट ऑन जर्मिनेशन, तो ये सब कंडीशंस में यूज़ की जा सकती है क्योंकि ये जर्मिनेशन में कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं करती है। एट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट फ्यूमिगेंट्स टाइम इज 3 days, एट 40 to 53 डिग्री फ़ारेनहाइट रिकमेंडेशन टाइम ऑफ फ्यूमिगेशन 10 days, देयरफॉर ट्रीटेड एरियाज मस्ट बी वेरी गैस टाइट, तो इनमें गैस टाइट होना चाहिए क्योंकि ये जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम गैसेस चॉकिंग करते हैं इंसेक्ट्स के लिए, पेस्ट के लिए, और उनसे उनकी डेथ हो जाती है और इससे बच जाते हैं। देन फ्यूमिगेंट प्रोसीजर फॉर स्टोर्ड प्रोडक्ट्स, तो इसके लिए प्रोसीजर क्या है फ्यूमिगेंट यूज़ करने के लिए, सीलिंग, तो इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट सीलिंग है क्योंकि ये जो फ्यूमिगेंट्स होते हैं वो कुछ पर्टिकुलर गैस प्रोड्यूस करते हैं रिएक्शन के बाद, उस गैस से ही चॉकिंग के कारण मर जाते हैं। सिमिलर टू स्ट्रक्चर फ्यूमिगेंट्स बट यूजली द इन्फेस्टेड प्रोडक्ट्स इज प्लेस्ड ऑन ए कॉन्क्रीट स्लैब एंड कवर्ड विद ए स्ट्रैप हेल्ड इन ए प्लेस विद द सैंड स्नेक्स और टैप्स, तो इसको फ्लोर पे रख दिया जाता है और उसे टाइटली बाउंड बंद कर दिया जाता है, पूरा क्लोज कर दिया जाता है। प्लास्टिक टर्प एंड टेप इज मिनिमम रिक्वायर्ड, इसमें ज़्यादा टर्प और टेप की जरूरत नहीं होती। प्लेस कार्ड्स मस्ट बी प्लेस्ड बिफोर स्टार्ट ऑफ फ्यूमिगेशन एंड मस्ट कंटेन नेम ऑफ फ्यूमिगेंट, डेट ऑफ रिलीज, नेम एंड फोन ऑफ द एप्लीकेटर, तो इन सब के बारे में ये कार्ड्स रखे जाते हैं जो इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाती है ताकि हमको ये याद रहे कि कौन सा फ्यूमिगेंट किया, कब किया, कितने दिन पहले किया और किस इंसान ने किया। इफ़ एरिया अराउंड द फ्यूमिगेंट इज ऑक्यूपाइड मॉनिटरिंग विद इन 10 days, 10 feet ऑफ द फ्यूमिगेंट एरिया इज रिक्वायर्ड एंड लीव्स रिकॉर्डेड, तो जो लगभग 10 10 फीट का एरिया होता है उसको छोड़ दिया जाता है और वहाँ पे फ्यूमिगेंट अप्लाई कर दिया जाता है जिससे कि उसके आसपास भी पेस्ट नहीं आ पाए। देन रिलीज ऑफ फ्यूमिगेंट, तो उसके बाद ये सब सेट करने के बाद उसमें फ्यूमिगेंट रिलीज किया जाता है। 2% टीम रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीज ऑफ फ्यूमिगेंट, दो आदमियों को असाइन किया जाता है। फुल फेस रिस्पिरेटर विद प्रॉपर कंसेंट ऑफ SCBA इक्विपमेंट मस्ट बी अवेल बिफोर रिलीज ऑफ फ्यूमिगेंट, तो उनको कवर किया जाता है माउथ पे,
SCBA यूज़ किया जाता है, जिससे कि उनको बिल्कुल भी उनके अंदर एंटर नहीं हो, उनकी इनहेल नहीं करें और उनको खुद को नुकसान नहीं हो। देन एरेशन, ए मेथड ऑफ वेंटिलेशन ऑफ फ्यूमिगेंट्स आर मस्ट हैव बीन स्टेब्लिश बिफोर रिलीजिंग ऑफ फ्यूमिगेंट। तो उसमें एयर वेंटिलेशन और का सुविधा होनी चाहिए, जिससे कि जैसे ही उसने रिलीज कर दिया जाए किसी स्टोरेज स्ट्रक्चर में, तो उससे जो अप्लाई करने वाला है उन पे इफेक्ट नहीं पड़े। SCBA मस्ट बी यूज इन कंसंट्रेशन अबव 50 PPM। तो जब भी 15 PPM से ज़्यादा हो तो इस इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए। फुल फेस रेस्पिरेशन विद येलो कॉनिस्टर विद ओलाइव स्ट्रिप्स आर यूज फॉर 3 to 15 PPM। तो ये यूज़ किया जाता है। नो प्रोटेक्टेंस इज रिक्वायर्ड बिलो 0.3 PPM। तो अगर 0.3 PPM से कम है तो फिर प्रोटेक्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एनी वन एंटरिंग ए फ्यूमिगेंट एरिया वेयर कंसंट्रेशन आर अनोन मस्ट हैव SCBA। तो जो भी इस एरिया में एंटर करता है उसके पास SCBA जरूर होना चाहिए। देन आती है मॉनिटरिंग कैसे करते हैं। यूजली ड्रेगियर ट्यूब्स एंड ए हैंड पम्प आर यूज टू मॉनिटर लेवल ऑफ फ्यूमिगेशन। तो ये इक्विपमेंट्स होते हैं जो कि फ्यूमिगेंट्स की लेवल बताते हैं कितना होता है, क्योंकि इसमें टॉक्सिटी को मेजर करते हैं ये, और इसमें कुछ इंडिकेटर्स दिए जाते हैं जैसे आप फिगर में देख सकते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो इसमें कुछ इंडिकेटर होते हैं कितनी इसकी टॉक्सिसिटी है, तो उसके हिसाब से इसमें कलर चेंज होता है। वन पम्प विल ड्रॉ ए स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एयर थ्रू द ट्यूब। तो ट्यूब के थ्रू इसमें कुछ अमाउंट ड्रॉ करता है, उससे रिएक्शन होती है और कलर चेंज होता है। कलर चेंज द रिएक्टिव मटेरियल इन द ट्यूब इंडिकेट एयर अवेलेबल। तो रिएक्शन के कारण जो कलर चेंज होता है, तो उससे उसका डिफरेंट लेवल पता चलते हैं, किस लेवल की यहाँ पे है, एंटर करना सेफ है या नहीं है, ये सब के बारे में जानकारी देते हैं। देन कुछ ऐसे होते हैं कि जो प्रिवेंटिव मेजर्स किए जा सकते हैं कि हम इनको पेस्ट को कैसे आने से रोक सकते हैं। तो उसके लिए हम हार्वेस्टिंग एंड ड्राइंग यूज़ कर सकते हैं। जैसे ग्रेन स्ट्रक्चर्स और ग्रेन मॉइस्चर कंटेंट शुड बी 12 to 14%। तो 14 to 12 to 14% होना चाहिए हार्वेस्टिंग टाइम पे उनका मॉइस्चर। मिनिमाइज क्रैक्स एंड ब्रोकन ग्रेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग। तो प्रोसेसिंग जब करते हैं, जो स्टोरेज में लाने से पहले हम चेक करना चाहिए कि उसमें मिनिमम ब्रोकेज और क्रैक ग्रेन होने चाहिए, ताकि उसमें पेस्ट अटैक नहीं कर पाए। डोंट मिक्स ओल्ड एंड न्यू ग्रेन्स। तो ओल्ड एंड न्यू ग्रेन्स को मिक्स नहीं करना चाहिए। क्लीन एंड डिस इन्फेक्टिंग द स्टोरेज सिस्टम। तो स्टोरेज स्ट्रक्चर होते हैं उनको क्लीन करना चाहिए, डिस इन्फेक्ट करना चाहिए। क्लीन कंटेनर स्ट्रक्चर इक्विपमेंट एंड बैग शुड बी क्लीन एंड मेन नीड टू ट्रीट विद इंसेक्टीसाइड। तो कुछ इंसेक्टीसाइड कौन से यूज़ कर सकते हैं, मायोथिन यूज़ कर सकते हैं, फेनोटोथाइन कर सकते हैं, डेल्टा मैरिन कर सकते हैं। इन सब का कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जो दिया गया है, जैसे 5 ml per 20 liter का वाटर मिक्स करके 20 ml per m² स्प्रे कर सकते हैं। 5 ml per liter वाटर मिक्स करके 20 ml per m² को स्प्रे कर सकते हैं, या 1.5 g per liter लेके 20 ml per m² में इसको यूज़ कर सकते हैं। देन ग्रेन ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं। इंसेक्टीसाइड मालेसन रे फ्यूमिगेंट फॉस्पिन हो कार्बन डाइऑक्साइड ये सब यूज़ किए जाते हैं। फिजिकल में हीट 15 से 55 के बीच में इम्पैक्ट न्यूमेटिक कन्वेयर्स यूज़ कर सकते हैं। डाइटोमॉक्स अर्थ डिहाइड्रेशन का यूज़ कर किया जा सकता है। तो इस तरह से जो सीलिंग होती है, प्रॉपर सीलिंग की जानी चाहिए, एयर टाइट होनी चाहिए जो भी हमें स्ट्रक्चर स्टोर कर सकते हैं, तो वो पूरे एयर टाइट होनी चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी चांस नहीं होना चाहिए कि उसमें कुछ पेस्ट अटैक कर सके। देन आती है रैट्स की बात। तो रैट्स कैसे हैं, स्पीसीज ब्लैक रैट और हाउस रैट, नॉर्वे रैट और हाउस माउस। तो ये सब उसकी है। तो डैमेज कैसे करते हैं, फीड ऑन ग्रेन। तो ग्रेन खाते हैं, 25 g ऑफ फूड पर डे, 3 to 4 g पर डे इसका माइस खाते हैं। देन स्पॉयलेज एंड कॉन्टेमिनेशन ऑफ ग्रेन, डैमेज मटेरियल टाटापुलिन बैग्स एंड इलेक्ट्रिक केबल्स सब कुछ ये डैमेज कर देते हैं। देन रैट मैनेजमेंट कैसे करें, कीप द स्टोर क्लीन, रिमूव एनी स्प्लिट ग्रेन्स। तो कितने भी स्प्लिट या ग्रेन्स उनको रिमूव करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए। स्टोर बैग इन टाइडी स्टैक्स ऑफ टू ए पैलेट। तो किसी पैलेट्स पर रखना चाहिए, डायरेक्ट जमीन पर नहीं रखना चाहिए। स्टोर एनी एम्प्टी और ओल्ड बैग्स एंड फ्यूमिगेंट शीट ऑन द पैलेट्स एंड इट पॉसिबल टू सेपरेट स्टोर। तो डिफरेंट स्टोर्स में ये अलग कर देने चाहिए और हमेशा पैलेट्स भी रखने चाहिए। कीप स्टोर फ्री ऑफ रबिश बम एंड बरी। तो किसी भी रबिश चीज से या बरी से अलग रखना चाहिए। कीप एरिया सराउंडिंग द स्टोर फ्री ऑफ टाल वीड्स। तो वीड से दूर रहना चाहिए। कीप एरिया इन द विसिनिटी ऑफ द स्टोर फ्री ऑफ एनी स्टेगनेंट वाटर। किसी भी स्टेगनेंट वाटर में या स्टैंडिंग वाटर में से दूर होना चाहिए हमारा स्टोरेज स्ट्रक्चर। देन फंगी
मोस्ट कॉमन है एस्पर्जिलस एंड पेंसिलियम ग्रेन्स कोलेजन ऑक्सीटोसिन डिटरमाइंड बाय मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द स्टोर ग्रेन टेम्परेचर कंडीशन ऑफ द ग्रेन गोइंग इनटू द स्टोरेज लेंथ ऑफ टाइम ऑफ द ग्रेन स्टोर्ड एंड अमाउंट ऑफ इंसेक्ट एंड माइट एक्टिविटी इन द ग्रेन। तो ये सब के कारण इसमें फंगी लग जाती है। देन कंट्रोल कैसे करें फंगी का, मॉइस्चर कंटेंट 12 से 14 रखना चाहिए, हीट कितना है ड्राई हीट 65 डिग्री सेल्सियस 4 से 6 दिन के लिए रखें एंड वाटर ट्रीटमेंट 52 से 55 डिग्री सेल्सियस। फ्यूमिगीसाइड कौन से, डाइथेन M45 एंड बेनलेट एट 3 ग्राम पर kg यूज़ करना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का लेक्चर जिसमें हमने स्टोरेज ग्रेन स्ट्रक्चर्स में कैसे हम पेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में देखा। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।